Dear kids, in this video of NSO for class 7, I am going to discuss logical reasoning part of set A paper 2023-24. In a certain core language, latest is written as V U G V C N. How will source be written in the सेम कोड लैंग्वेज तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड एबीसी क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है ठीक है तो मैं यहाँ नाउ अब स्टार्ट करते हैं देखो एल के लिए वी है एल और वी के बीच में अगर आप गैप देखो एल यहाँ है वी यहाँ है मेजर गैप है अल्फाबेट्स का तो बी ए एंड यू के बीच में भी तो यहाँ क्या रिलेशनशिप नहीं बैठ पा रही है तो नाउ हम क्या करेंगे लेटेस्ट को अगर हम अपोजिट लिख दें मीन्स टी एस ई टी ए एल नाउ इसको जब हमने कोड किया तो क्या लिखा वी यू जी वी सी एन तो नाउ यू कैन चेक कि टी जो दोनों यूज हुए दोनों के लिए सेम कोड आया मीन्स दिस इज द करेक्ट प्रोसेस नाउ अब रिलेशन देखते हैं टी के बाद यू मीन्स टी यहाँ देखो आप टी मीन्स यहां क्या है प्लस टू एस को लिखा है यू मीन्स यहां पर भी है प्लस टू ई e को लिखा है जी ई e के बाद सेकेंड पे है टू जी मीन्स प्लस टू मीन्स सब में क्या रिलेशन है प्लस टू का तो सेम वे सबसे पहले हम सोर्स को करेंगे उल्टा तो उल्टा क्या तो क्या हो जाएगा ई सी आर यू ओ एस नाउ ई पर प्लस टू ई e पे प्लस टू क्या तो क्या आएगा ई e के बाद प्लस टू क्या होता है जी C पर प्लस टू क्या होगा E ठीक है तो नाउ यू कैन सी G E से यू गेट द आंसर A इज द राइट ऑप्शन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है स्टिल हम कर देते हैं पूरा R को क्या लिखेंगे R के जस्ट बाद प्लस टू क्या होगा T U के लिए प्लस टू पर क्या होगा U के बाद W o पर प्लस टू पर क्या होगा Q S पर प्लस टू पर क्या होगा U जो हमने पहले भी देखा था तो नाउ यू कैन मैच एग्जैक्टली exactly मैच हो गया तो दिस वॉज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप द गिवन फिगर इन टू थ्री क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ दियर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस ठीक है तो नाउ हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो नाउ यू कैन सी यहां पे देखो स्क्वायर है सेम सा और उसके साथ अटैच है दूसरा रेक्टेंगल एंड सर्कल मीन्स जो फर्स्ट ग्रुप बनेगा वो है वन फाइव एंड एट का नाउ यहां देखो पेंटागन है और उसके अंदर पेंटागन ट्रायंगल है उसके अंदर ट्रायंगल और उसके यहाँ पे स्क्वायर मींस स्क्वायर तो सेकंड रिलेशन सेकंड ग्रुप जो बनेगा टू सिक्स एंड सेवन का जो रिमेनिंग बच गया वो थर्ड ग्रुप में मींस थ्री फोर नाइन तो नाउ फाइंड द आंसर तो सी वन फाइव एट टू सिक्स सेवन थ्री फोर दिस सी इज द राइट ऑप्शन सेलेक्ट अ बॉक्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू बॉक्स इज फोल्डेड टू फॉर्म है कि इसमें क्या करो कि प्लीज रिमेम्बर की इनकेस ऑफ डाइस अपोजिट एक पेयर दिखे पेयर का एक एलिमेंट दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा तो नाउ यू कैन सी सिक्स के अपोजिट में क्या है थ्री तो फर्स्ट पेयर हो गया सिक्स कॉमा थ्री का नाउ फोर के अपोजिट में क्या है टू फोर कॉमा टू एंड वन एंड फाइव अपोजिट में है वन एंड फाइव ठीक है अब इनमें से कोई भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए मीन्स सिक्स के साथ थ्री नहीं फोर के साथ टू नहीं वन के साथ फाइव नहीं तो नाउ यू कैन सी टू के साथ फोर दिख रहा है मीन्स दिस इज रॉन्ग नेक्स्ट वाले में आ, देखो आप सिक्स फोर फाइव सिक्स इसमें है फोर यहाँ है फाइव यहाँ है मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन रिमेनिंग देखो आप सिक्स के साथ थ्री दिख रहा है मीन्स कि दिस इज रॉन्ग यहाँ फोर यहाँ पर फाइव के साथ वन दिख रहा है दिस इज रॉन्ग तो बी इज द राइट ऑप्शन सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड एज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द लेटर्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड तो फ्रॉम दिस यू कैन फॉर्म बिहाइंड क्लियरली दिख रहा है दिस इज बिहाइंड बी एच आई एन डी नाउ नंबरिंग कर देते हैं फॉर बी इट शुड बी सिक्स ई

अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर आर तो नाओ यू कैन सी बहुत सिंपल है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखो ये कर्व है और ये दो स्क्वायर है मीन्स कि सेंटर में ऑल फोर साइड्स पे ऑल फोर जो अनफोल्ड करने पाएगा ये दो स्क्वायर तो आने ही है ठीक है तो नाव यू कैन सी यहाँ पर ऑप्शन यहाँ देखो यहाँ सर्कल एंड स्क्वायर है दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग यहाँ सिंगल स्क्वायर है दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग अब ये दोनों क्वेश्चन में क्या है दो दो स्क्वायर है चलो ये तो करेक्ट हो गया अब नाउ यहाँ पे देखो जो ये वाला कट है दिस इज सर्कल मीन्स यहाँ सर्कल होना चाहिए जो बीच में सेंटर में आएगा तो दिस इज सर्कल डी इज राइट एंड सी इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे बीच में क्या दे दिया स्क्वायर क्वेश्चन पुनीत इज फादर ऑफ ईशा लेट दिस इज पुनीत और ये है ईशा ठीक है तो ये फादर हो गए ईशा इज द सिस्टर ऑफ अंजलि ईशा सिस्टर हो गई अंजलि की डन एंड रवि इज द ग्रैंड फादर ऑफ अंजलि रवि इज द ग्रैंड फादर ऑफ अंजलिनी बेटी होगी और इनके फादर जो होंगे दैट इज रवि डन ऑफ अंजलि इफ सुमन इज द सिस्टर ऑफ पुनीत इफ सुमन इज द सिस्टर ऑफ पुनीत सिस्टर के लिए हम प्लस कर देते हैं इनकी सुमन सिस्टर होगी मीन्स सुमन ठीक है देन हाउ इज ईशा रिलेटेड टू सुमन अब ईशा कैसे रिलेटेड है सुमन से ऑब्वियसली ये

ये वाला डॉट है ये है एक ट्राइंगल एंड एक रेक्टेंगल में दिस डॉट इन ट्रैंगल एंड स्क्वायर एंड दिस डॉट इन ऑल शेप्स तो नाव फाइंड आउट करते हैं देखो इन दिस केस स्क्वायर और ट्राएंगल अकेले नहीं है ठीक so है तो दिस इज रॉन्ग क्लियर है नाउ इन दिस केस आप देखो अगर हम डॉट को प्लेस करें एट दिस प्लेस तो ये तीनों के लिए कॉमन हो गया अगर हम डॉट को प्लेस करें स तो ये स्क्वायर एंड ट्रेंगल के लिए हो गया अगर हम डॉट को प्लेस करें इन दैट पॉइंट पॉइंट दिस तो ये हो गया बाहर यहां पर तो ये हो गया रेक्टेंगल एंड ट्रैंगल वाला तो बी इज द राइट ऑप्शन रिमेनिंग ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं नाउ यू कैन सी कि यहां पर तीनों का कॉमन पॉइंट नहीं है और यहाँ पे तो ट्रैंगल किसी का कॉमन ही नहीं है तो बी इज द राइट ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर एट समीन टर्न्स 80 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट नाउ समीर रन्स 80 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ सपोज समीर यहाँ है 80 मीटर गया दिस वन ठीक है नाउ यहाँ पर है उसका फेसिंग किधर है नॉर्थ की तरफ एंड देन टर्न्स राइट एंड रन 40 मीटर्स राइट right. एंड फोर्टी मीटर डन ना उसकी फेसिंग ही देन एंड रन ट्वेंटी किधर होगा इधर ये कितना गया ट्वेंटी मीटर फाइनली ही टर्न लेफ्ट ना उसकी फेसिंग इधर है तो लेफ्ट किधर होगा दस्ट साइड और ये डिस्टेंस क्या है फोर्टी मीटर ठीक है फोर्टी मीटर हाउ हाउ फार इज समीर नाव फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें बेसिकली दिस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है ये टोटल डिस्टेंस क्या थी एट्टी नाव अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो दिस फॉर्म ए ट्राएंगल राइट एंगल ट्रै एंगल नाव देखो इसकी डिस्टेंस क्या होगी फोर्टी दिस साइड से फोर्टी दिस साइड से दिस इज टोटल एट्टी ये ट्वेंटी है मीन्स दिस विल भी ट्वेंटी तो नाव इसकी डिस्टेंस क्या होगी एट्टी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू सिक्सटी नाव हमें फाइंड आउट करनी है ये डिस्टेंस लेट दिस इज एक्स तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्यूरम तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी स्क्वायर प्लस एट्टी स्क्वायर इज एकवल टू थ्री सिक्स जीरो जीरो प्लस प्लस सिक्स फोर जीरो जीरो तो नाव एड किया तो एक्स स्क्वायर

तो फीमेल अलग हो गया और मैन ब्रदर्स कॉमन कुड बी कॉमन तो सी इज द राइट ऑप्शन ये शो कर रहा है मैन को उसमें से कुछ मैन जो है ब्रदर हैं और ये शो कर रहा है फीमेल को नाउ फॉर दिस वीडियो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म इन द गिवन फिगर चलो स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन को देखो सिर्फ इस पोर्शन को तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे वन टू एंड थ्री इन सबको एक साथ कंबाइन कर दो तो दिस विल बी सिक्स ठीक है ये क्या हो गया सिक्स ट्राइंगल नाउ और आप देखो चेक भी कर सकते हो कैसे देखो आउटर साइड वाला वन देन वन टू थ्री फोर ये हो गए फिर एक बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे तो ये हो गए सिक्स ठीक है अब हमें आते हैं आउटर साइड के दिस वन इज़ वन तो ये हो गया प्लस वन वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तो हो गए सिंपल से ये ये हो गए ट्वेल्व नाउ अब देखो ट्वेल्व के बाद एक ट्रैंगल ये तो ये हो गया प्लस वन ठीक है नाउ एक दिस वन तो ये हो गया प्लस वन तो नाउ इनका अगर सम करें अभी और ना चेक करके ऑप्शन देख लेते हैं सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन थर्टीन प्लस वन फोर्टीन नाउ ऑप्शन देखो ऑप्शन में क्या है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और मोर देन थर्टीन तो दिस इज द राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन thank you so much i will try to upload solution of more questions of this paper thank you